हेलो सर, क्या आप लोग दोबारा से जो धमाकेदार वीडियो ले। तो एपिसोड की शुरुआत होती है यहाँ जंगल से, जहाँ पर एनके अपने फेवरेट कुकीज खा रहा होता है। और तभी तीन रॉकेट को दिखते हैं बच्चे जो उनके लिए दुश्मन है समझो। तो गाइस उन लोगों को दिखते हैं, पर क्लेमेंट बोलो UFO के बारे में बात कर रहे थे, मतलब एलियंस के बारे में। क्लाइमेट सोचता है कि एलियंस तो होते ही नहीं है। बॉनी कहती है सच में। तभी उन्हें मैलेमार दिखता है। मैलेमार तो आप लोगों को पता होगा पहले मैलेमार के क्या किया था। फिर हमें दिखता है वीडियो का टाइटल, तो उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। फिर हमें दिखता है गाइस मैलेमार, जो कि वो मैलेमार नहीं होता है जब उन लोग को पता चलता है, दूसरा मैलेमार होता है। वो जैसे उन पर अटैक करने, वो अटैक नहीं कर रहा था, वो उसको दिखा रहा था। फिर उनको दिखता है बहुत सारे एनकेज, बहुत सारे मैलेमार्स एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, बैरिज दे रहे हैं। वो लोग चुपके से ये सब देख रहे होते हैं। अभी उन्हें दिखता है कि इतने प्यारा, दिल से लगता है भाई प्यारा सा, ये पोकेमॉन्स कितने खुश हैं भाई। ऐसे पोकेमॉन खुश रहे तो अपन को कितना अच्छा लगेगा ना। फिर हमें दिखता है तीन रॉकेट जो आ गई हैं फिर से नाक अड़ाने। फिर हमें तीन रॉकेट दिखती हैं जो चुपके से देख रहे। फिर हमें दिखता है क्लेमेंट जो शायद घबरा गया है। फिर हमें दिखता है एन के जो बहुत ही वो होता है, मतलब भागने लगता है। एक गाड़ी निकलती है इन लोग के पास से और उन लोग को टक्कर दे के निकल जाती है, मतलब इनके बगल से निकल जाती है। पर इन लोग को बहुत दिक्कत होती है, ये लोग कहते घटिया ड्राइवर ये सब वो। फिर हमें दिखता है एक लड़की जो नकाम ओढ़े, मतलब कुछ भी कह दो पोशाक ओढ़े खड़ी हुई है। फिर हमें दिखता है एन के जो जाने कहाँ को जा रहा होता है, तीन रॉकेट भी उसके पीछे पीछे चढ़ के आ रहे होते हैं। फिर हमें दिखता है एक अलग ही भाई सीन, देखो तो क्या है यार, ये क्या हो रहा है भाई मुझे भी नहीं पता। वही हमें फिर दिखता है कोई अजब ही सा सीन, तीन मैलेमार से मिल के जाने क्या कर रहे हैं यहाँ पर। मुझे लगता है कुछ करना चाहते हैं सीक्रेट, ये देश पर कुछ तबाही मबाही लाना चाहते हैं गाइस। फिर हमें दिखता है एन के जो उन पर हमला करने की फुराद में रहता है, पर जेम्स उसको पकड़ लेता है क्योंकि वो मैलेमार है और वो भी तीन, और एन के अकेला है इसीलिए। फिर वो लोग तीनों ही गिर जाते हैं और फिर वो लोग बच्चों से टकरा जाते हैं। फिर उन्हें दिखता है सब लोग मिल जाते हैं एक साथ। फिर हमें दिखती है वही लड़की जो पहले हम लोग को देख चुकी थी। फिर हमें दिखता है मैलेमार जो ऐसे और बाकी सबके पीछे है, और वो लड़की भी अपना नकाब उतारती है। फिर हमें दिखता है वो और कोई नहीं, ऑफिसर जैनी होती है भाई साहब, क्या सीन है। फिर ऑफिसर सैनी बताती है उन लोगों की वो यहाँ पर क्यों आई है, वो मैलेमार के सीक्रेट मतलब वेपन की ओर आई है, जिसके लिए उन लोगों ने डॉक्टर्स को मार मार के बनवाया है, मतलब उनको सता सता के उन पर प्रेशर डाल के। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये है भाई आग का गोला, हाई ब्लीजिक इनकी फायरवॉल से भी ख़तरनाक है। तो फिर हमें दिखाया जाता है मैलेमार जो बच्चे उनसे लड़ने आते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है क्लेमेंट मियाउंट और जेम्स। फिर एन के उस पर अटैक करता है जिससे कि उसका मुंह पूरा काला काला हो जाता है, और इसी के साथ मैलेमार सबको उठा लेते हैं अपनी साइकिक ताकत की वजह से, और सब लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। फिर क्लेमेंट अपनी बनलवी को निकालता है गड्ढा करके, तीनों ही उसमें से घुस जाते हैं भाई। वो लोग कहते हैं कि तुम लोग फिक्र नहीं करना, हम लोग वापस आएंगे भाई, ये क्या है। फिर हमें दिखाया जाए कौन सा पोकेमॉन है, आप लोगों को पता है तो कमेंट में बताइए जल्दी से। और यह है विड ऑफ। तो गाइस फिर आप देखते हैं आगे, ये लोग बाहर निकल जाते हैं गाइस यहाँ से गड्ढे से, बनल भी के बहुत थैंक्स करते हैं। फिर हमें दिखता है एन के जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। फिर मियाउंट उसकी बातें बता रहा होता है वो क्या क्या कर रहा है। मियाउंट कहता है मैं उन लोग को मारूंगा, लड़ूंगा और उनको जीतूंगा, मतलब हराऊंगा। तो गाइस फिर हमें दिखता है एन के अपनी धुन में गिर जाता है, और ये गोला बहुत भयंकर होता जा रहा था गाइस। फिर हमें दिखता है बाकी सब जो मूर्ति की तरह सीधे खड़े हुए इनकी मांत्रिक शक्ति की वजह से। फिर हमें दिखता है बिजलियाँ, इनका मतलब इनका ख्वाब दिखता है हमें, जी लोग क्या करना चाहते हैं पृथ्वी पे। तो हमें दिखता है फिर ये लोग ऐसा हमेशा करने वाले, बॉनी जी सब देख के रोने लगती है, और डिटेने भी बेचारे, मुझे भी भाई आंसू आ गए। तो गाइस फिर हमें लोग को दिखता है कि लोग मैलेमार्स और एन के को पटाने लगते हैं, मतलब उन लोग से कहने लगते हैं कि हमारी हेल्प करो। तब भी आ जाता है मैलेमार, तभी मैलेमार आके अपनी साई के शक्ति से इन लोग को उठा लेता है, मतलब मांत्रिक शक्ति से जो भी कह लो।
फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उन लोग को ले जाना ही होता है, पर दूसरे मेलमार से उनकी मदद करते हैं, वो लोग टॉप सिक्स और उन लोग की मदद करते हैं। फिर वो मेलमार अपने ही आप गायब हो जाता है, भाई कहाँ गया। फिर वो लोग उनकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। भाई अब थोड़ी सुकून आया मुझे तो, भाई नहीं तो इन लोग की हेल्प और एन के भी तैयार हो जाते हैं। यस सर। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये टाइमर स्टार्ट हो गया है इसका, ये रेड रेड हो रही है, तो मतलब सेकंड चल रहा है, टाइमर चल रहा है इसका, और जी जैसे पूरी रेड हो गए तो पूरी पृथ्वी पर तबाही हो जाएगी। भाई ऐसा तो नहीं होने दूंगा मैं। वही फिर हमें दिखाया जाए मेले मार्स खुश होते हैं, तभी दूसरे मेले मार्स आते हैं और ऐसे वो बाकी सबको छुड़ा लेते हैं। ये हुई ना बस। फिर हमें दिखाया जाता है कि सबकी लड़ाई होती है। फिर यहाँ पर जी लोग कहते हैं, इतना तानाशाही करने लगते हैं, कहते हैं इतने लेट क्यों आए, ऐसा वैसा, जैसी ज़्यादा हो चुक रही थी। फिर हमें दिखाया जाता है मेलेमार एनके को पकड़ लेता है, उस पर हिप्नोटाइज कर देता है, उसे हिप्नोटाइजर इस्तेमाल कर देता है और वो हिप्नोटाइज हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है एनके सब पे साइबी हमला कर देता है क्योंकि वो हिप्नोटाइज होता है। फिर हमें दिखाया जाता है एनके का स्पेशल फूड जो उसे बहुत पसंद, तो जेम्स उसे ज़बरदस्ती वो खिला रहा था जिससे उसे सब कुछ याद आ जाए, और ऐसा ही हुआ, उसे सब कुछ याद आ गया जैसे जो जो उनने किया था एस का रूप बदल के। उतने ही में